नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षिता पांडे। बुधवार को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा 45 दिन से अधिक और 1 वर्ष की उम्र के कम आयु के शिशु को लगाई जाने वाली न्यूमोकोकल कंजुकेट वैक्सीन का फीता खोलकर शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वैक्सीन का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रचार प्रसार करने में सहयोग देने की जरूरत है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके। बाजपुर से संवाददाता हनीफ खान के साथ ज्योति स्वरूप अग्रवाल की यह रिपोर्ट। आज बच्चों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिन बच्चों की उम्र 45 दिन से ऊपर है और 1 वर्ष से नीचे है, उनको यह वैक्सीन जिसका नाम न्यूमोकोकल वैक्सीन है, टीका है, उन बच्चों को यहाँ लगाया जा रहा। आज इसकी शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से जो हमारे बच्चों पर जो लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में बीमारी हो जाती है या और गंभीर बीमारियां हो जाती है, उसके रोकथाम के लिए, उपचार के लिए टीकाकरण या टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है। आज इसकी शुरुआत हुई है और मैंने डॉक्टर माथुर हैं, आप यहाँ के MS हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनसे भी मैंने आग्रह किया, अनुरोध किया है कि इसका बहुत व्यापक प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, जिससे कि सभी का टीकाकरण हो सके। इसको आप फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात को कह सकते हैं। इस वैक्सीन के लगने से क्या फ़ायदे हैं बच्चों के सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए क्या फ़ायदे हैं और गंभीर बीमारियों से कैसे रोकथाम हो सकती है, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे सहयोगी साथी हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं और आप हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, सब मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं, जिससे कि बच्चों का भविष्य, बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित हो सके। मुझे बता